एवरीवन, हम आ गए हैं आज एक और नई सिंपल सी रेसिपी लेके, सेम की फली कैसे बनती है। चलिए आइए देख, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक टमाटर, एक छोटा प्याज, दो तीन लहसुन की कलियाँ, चार पांच लाल मिर्च सूखी हुई। इसको हम पीस के पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने पेस्ट बना लिया है, कितना अच्छा फाइन पेस्ट बनाया है। कढ़ाई ले लेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। अब हम सरसों के तेल को थोड़ी देर गरम होने देंगे। ये देखिए हमने सेम की फलियों को ऐसे दो टुकड़ों में काट लिए हैं। ऐसे दो आलू कटे हुए चाहिए। इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें आलू डाल देंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए हमने आलू डाल दिए हैं। फिर हल्दी डाल लेंगे, नमक डाल देंगे, फिर इसको मिला लेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा आलू फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम सेम की फली डाल देंगे जो काट के रखी थी। इसको भी आलू के साथ फ्राई कर लेंगे हम थोड़ी देर तक। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हम उसी कढ़ाई में सरसों का तेल और डालेंगे, थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। अब हम इसमें गरम हो चुका है, हम इसमें जीरा और तेज पत्ता डाल देंगे। हमने जो पेस्ट बनाया था हम इसे भी डाल देंगे, दो तीन चम्मच। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से मसाले को। अब हम इसमें सूखे मसाले मिलाएंगे, धनिया पाउडर डालेंगे हम इसको। अब जो हमने सब्जी उतार कर रखी थी उसे डाल देंगे इसमें, तड़का लगा दिया हमने। अब इसको हिला लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, फिर इसको मिला के हम सर्व कर लेंगे। अब हमारी तैयार हो चुकी है सेम की फली की सब्जी। उसी बाउल में इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारी रेडी हो चुकी है सेम की फली की सब्जी। आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा।